छतरपुर में आगामी होली पर्व को लेकर एसएसपी और एसडीएम की संयुक्त बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य आगामी पर्व में अशांति फैलाने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा और अराजक तत्व पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। यह बैठक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। इस बैठक में मुख्य उद्देश्य शराब पीकर वाहन न चलाएं, डीजे पर रहेगा प्रतिबंध और बाइक में 3 सवारी न बैठे, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 9 तारीख को होली जलेगी और 10 तारीख को खेली जाएगी। इस संबंध में प्रतिवर्षानुसार जैसे पुलिस व्यवस्था लगती है वो सभी जगह लगाई जाएगी। लगातार मोबाइल पेट्रोलिंग करेंगी और अभी यह शांति कमेटी की मीटिंग में लोगों को समझाइश दी गई है कि अपने लाउड स्पीकर का उपयोग करें, डीजे वगैरह प्रतिबंधित है, शराब पिए लोग ना जाएं, अगर जाएंगे वाहन चलाते मिलेंगे उन पर सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पानी के लिए व्यवस्था, सफाई के लिए व्यवस्था, सभी जो मुद्दे थे उन पर चर्चा की गई है। ये मीटिंग एसडीएम साहब और पुलिस के द्वारा रखी गई थी और शांतिपूर्ण होली मनाने के लिए सबको बताया गया है, जिससे कि हंसी खुशी से सभी लोग अपना त्यौहार मनाएं। हर साल शांति समिति की बैठक होती है, उसी साल इस वर्ष होली के पहले शांति समिति की बैठक की गई है और उसमें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि होली का त्यौहार जो है वो अच्छे तरीके से संपन्न कराया जा सके। लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि शराब वगैरह जो बिक्री होती है उसका थोड़ा ध्यान रखें और साफ सफाई, जो लोग क्या करते हैं कि खेल लेते हैं उसके बाद पूरा गंदा करके चले जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा वो ध्यान रखें। देखा जाता है कि ऐसे त्यौहारों पे ढाबों पे अवैध शराब बिकती है ना, और कोई कार्रवाई नहीं, तो इसने रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए? इसके लिए हमने एक्साइज डिपार्टमेंट को एक पत्र जारी कर देंगे ताकि वो समय समय पे छापे मारते और इस चीज से निपट जाए। ध्वनि यंत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ध्वनि विस्तारक यंत्र में डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है और अगर सामूहिक रूप से वो किसी भी तरीके से लाउड स्पीकर बजाना चाहते हैं तो वो पूर्व में एसडीएम कार्यालय में जाकर के पहले परमिशन लेंगे, उसके बाद ही उसका यूज करेंगे।